वहाँ पे आपको पटे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ से देखो, मतलब क्या आपको शौक आया, मतलब थार भी तैयार करा रहे हो, ये भी ले ली, क्यों? 3 महीने लगेंगे अभी उसको। Afternoon and welcome back to the channel. तो भाई ये किस location से vlog की शुरुआत हो रही है ये आपको समझ नहीं आएगा। और यहाँ देखिए रोहन भाई भी हैं, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया भैया। और सुनाओ क्या चल रहा है, what is the update? बस भैया अभी update तो ये कहीं पे जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं कहीं लेके जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये आप मेरी गाड़ी देख सकते हो, तो यहाँ पे कुछ तो मसला हुआ है, तो वो जो मसला है वो आपको बाद में दिखेगा, बट उससे पहले आज की वीडियो अपने आप में है बहुत स्पेशल। जिप्सी निकली है, अगर तो जिप्सी निकली है तो आप समझ सकते हो स्पेशल। अभी दोनों गाड़ियां हमारी यहाँ है, तो एक को हम कहीं छोड़ेंगे और दूसरी गाड़ी लेके निकलेंगे। रोहन भाई निकले, गर्मी बढ़ी है तो चलो। रोहन भाई ने गाड़ी फंसा दिया इधर, देखो तो अभी क्या करना है। हम फ्लो में आगे आ गए, रोहन भाई मेरे को मिल ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ रह गए पीछे, अभी कॉल करके पूछना पड़ेगा गाइस उनको। जोकर जिप्सी लगती तो प्यारी है गाइस, मोहित क्यों नहीं चलाते हम इस गाड़ी को? पता नहीं, तो नहीं मना किया हुआ, कह रहा गर्मी लगती है मेरे को, मैं नहीं बैठूंगा इसमें। मैंने कभी नहीं बोला, बैठते नहीं है इसमें यार, ऐसे बोला नहीं कभी, ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोला। अब मैं जिप्सी में चाहे हम सड़ जाए लेकिन चलाएंगे जिप्सी। डन। तो एक गाड़ी हम यहाँ छोड़ देंगे, आज पानी भी लाया जा रहा है, रोटी खाना ये खा ले, पानी भी लेते हैं, खाने का छोड़ो अभी। गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पे, लॉक कर दी ना, एक तो सॉफ्ट टॉप गाड़ी का खतरा ही रहता है, पर चलो कोई नहीं, लैपटॉप हमने अपना रख लिया है, पानी पी लेते हैं, बहुत गर्मी है। और रोहन भाई किधर है जी? मोहित ने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, जल्दी से निकलते हैं। और रोहन भाई साइड पे आ गए हैं, और ये मालिक हो आप, साइड बैठो ना। अच्छा, नहीं, तो गाइस आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैं जो है जिप्सी चलाने वाला हूँ। तो रोहन भाई माने नहीं कह रहे, बड़े दिनों बाद अपनी जिप्सी में आए हो, तो आज आप ही चलाओ, तो क्या बात है जी। एक इसका आगे से पटा निकला हुआ है, दूसरे पटे सीधे हो गए हुए हैं, देखते हैं आज क्या असला मसला बनने वाला है। और बाकी चला रहे हैं, तो फील एकदम ओपी है, तो चलो फटाफट लोकेशन में पहुंचते हैं। जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह जिप्सी कहीं भी निकालो, उससे पहले हमें क्या है कि इसमें तेल डलवाना पड़ता है, थोड़ा सा डलवा लेते हैं ताकि कहीं रास्ते में ना रुके। फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, हाय 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 क्या बात है। तो ये है जी हमारे सादिक भाई, क्या हाल चाल है? मिनी रूबीकॉन है सर, मिनी रूबीकॉन है, बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। अभी ये गाड़ी देख सकते हो एकदम खतरनाक बना रखी है, ये गाड़ी फेमस है नाम द लास्ट राइड से। बाकी गबरू भाई भी हैं, और ये जो चीज लाए हैं वो आपको दिखाते हैं। और ये हैं जी हमारे किंग खान, किंग एमके, मुबारक भाई क्या हाल चाल है? थैंक यू इतनी सपोर्ट के लिए, क्या बात है। गाइस क्या है कि बहुत देर से ना एक बात चल रही है, कमेंट भी बहुत से आते हैं कि भाई ऑफ रोड करो, ऑफ रोड करो, है रोहन भाई? तो फिर हमने कहा कि चलो ऑफ रोड तो करना ही है, और करेंगे भी ऐसी चीज के साथ ना। तो सादिक भाई की जिप्सी आपको दिख रही है, और उसके आगे जो है वो है गबरू भाई की जिप्सी। ऑफ रोड शुरू हो चुका है, देखते हैं जाती है। पहले गबरू भाई ने चढ़ा दी ना ऊपर, तो ये पत्थर काफी दूर तक आ रहा है, सिर के ऊपर ही पड़ सकता है, और मेरे को लग रहा है अटक गई है। तो ये है जिप्सी का फंडा, हम नहीं लॉक किए थे, 4x2 में चढ़ा रहे हो सादिक भाई भी ना, अल्टीमेट ओपी हो गए थे हम 4x2 में। यही बस फर्क है इसमें, बस यही ना खड़ी होगी, ये वो कैसी चढ़ी थी और ये कैसी चढ़ी थी। तो गाइस फिलहाल क्या है कि पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, गाड़ी आप देख रहे हो, हम भी थोड़ा बहुत फन कर रहे थे। ये है हमारी मेन गाड़ी
जिसका आज जो है हम आपको एक प्रॉपर वीडियो जो है शूट करके दिखाएंगे। और इधर देखिए ये, अरे अरे कहाँ जाएं, उधर जाएं कि इधर जाएं, कंफ्यूजन हो गई है। तो गाड़ी ये तो चेक करेंगे। फाइनली क्या है कि दोनों गाड़ियां जो हमारी लगी हैं, बिकॉज एक गाड़ी अगर सिर्फ लगी यहाँ तो आप में उसको उतना डिफ्रेंशिएट हम नहीं करके दिखा सकते हैं और फर्क जो है वो पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो ये हमारे भप्रीत भाई हैं, इधर हो जी। तो ये जो गाड़ी है ये आप देख रहे हो, पहली बात जिप्सी 2003 मॉडल, 2018 मॉडल, ठीक है। बाकी इंजन जो है दोनों का सेम रहता है, पेट्रोल इंजन के साथ। क्या चेंजेस इसमें है, क्या उसमें है, सबसे पहले तो जैसे गाड़ियां खड़ी है ना, चाहे वो जगह थोड़ी सी वैसे भी है बट उससे ज्यादा वो गाड़ी आर्टिकुलेट कर भी नहीं सकती। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, जैसे सामने से आपको क्लियरली दिख जाएगा, वहां पे आपको पटे दिख रहे हैं और उसमें दो वो लिफ्ट जो किट लगी हुई है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से वो पटा जो है यहाँ कहीं एक्सटेंशन पे आएगा बट वो हिस्सा ही नहीं है, शायद यहाँ कहीं आता लेकिन वो हिस्सा ही नहीं है। पीछे से सिर्फ आपको वो दिख रहा है, ये स्प्रिंग्स है जिसकी वजह से इसे इतनी आर्टिकुलेशन मिलती है। जिप्सी अगर कुछ चीजों में मार खाती है ऑफ रोड में तो वो यही है, एक आर्टिकुलेशन और एक इसका ओपन डिफ का होना। अगर इसमें लॉकर लग जाए और इसकी आर्टिकुलेशन बढ़िया हो जाए, गबरू भाई, हाँ जी भाई, इससे बढ़िया कोई ऑफ़रोड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये चीज है। बाकी इस जिप्सी में और खास क्या है, जो इसमें प्रैक्टिकल मोड्स हुए हुए हैं, ठीक है, ये उसका रिव्यू है। यहाँ से आप गाड़ी की आर्टिकुलेशन देख रहे हो, बाकी अंदर से हम बात करें मॉडल, हाँ जिप्सी को प्रॉपर नाम दिया हमने MMG मूविंग मेटल गैराजेस 413W कॉइल स्प्रिंग एडिशन। ओके ये हमारा मॉडल है, तो ये जो गाड़ी है तैयार हुई है मूविंग मेटल गैराजेस, ठीक है ना। इंस्टाग्राम वगैरह पे आपको इनका पेज मिल जाएगा। गबरू भाई की जो गाड़ी है वो भी यहीं से तैयार हो रही है। तो ये गाड़ी जो बेसिकली है सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोड के पर्पज से बनी है ना, तभी आप देख रहे हो उसमें पीछे सीट्स नहीं है और आगे का सेटअप भी ना कुछ वैसा मॉडिफाई नहीं करा है, बिकॉज हर एक चीज ऑफ रोड वेरी बेसिक। हाँ, तो यहाँ से आप आर्टिकुलेशन देख रहे हो, बाकी 2018 मॉडल है तो इसमें किसी भी तरह की चूचा खड़े खुड़े कुछ नहीं होने वाली है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ से देखो आपको फर्क दिख रहा है आर्टिकुलेशन का, तो ये फर्क आता है कॉइल स्प्रिंग होने से और ये जो स्टॉक पटों वाला सेटअप है उससे होने से। यहाँ से आप पीछे पटे की लेंथ इस पे देख रहे हो ना, ठीक है, ये आ गया पटा। यहाँ पे इसके पीछे वाली साइड एक्सटेंशन दी ही नहीं है, सिर्फ ये जो फ्रंट में है यहाँ पे लगी हुई है और इसमें स्प्रिंग है। प्लस एक ये चीज मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, ये आप देख रहे हो ना पैनार्ड, हाँ पैनार्ड मतलब ये वो रोल बार उसके लिए, हाँ। रोल ना करे गाड़ी उसके लिए है ना, आर्टिकुलेशन भी अच्छा परफॉर्म करती है, हमारी थार में भी आता है ये पीछे, ये तो आता ही है, उनमें तो आता ही है पैनार्ड बार। हाँ, टायर साइज में कितना फर्क है, ये 31 इंच है, 31 इंच है और ये मुझे लगता है कहीं 28-29 के आसपास यही होगा। और देखो यार इसमें ना आपको बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, हम सीधा आपको ऑफ रोड पे ऑब्स्टेकल करके दिखाएंगे और वहीं से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर क्या फर्क पड़ता है और क्या इस गाड़ी में ऐसा खास है जिसकी वजह से हम स्पेशली ऑफ रोड करने आए हैं। एंड थैंक यू सो मच भाई, इतनी बड़ी गाड़ी हमें दिखाने के लिए। यहाँ से देखो सारा बेसिक है, अगर आप हमारी जिप्सी में देखते हो क्योंकि कम है ना क्लीयरेंस, ये गाड़ी तो अब यहीं रहने वाली है, ये तो अपनी हो चुकी है। अच्छा, तो मैंने खरीदी है ना गाड़ी, ये आपने क्यों नहीं बताया मुझे। तो गाइज गबरू भाई को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक है कि उन्होंने ये गाड़ी खरीदी है। मतलब क्या आपको शौक आया, मतलब थार भी तैयार करा रहे हो, ये भी ले ली, क्यों? 3 महीने लगेंगे अभी उसको और एक सॉलिड एक्सल गाड़ी और चलाने को मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। ये लड़के मैंने जो है खरीदी है पाजी से, मतलब पाजी बिलिंग नहीं थे बेचने के लिए। देखो लाइफ हो तो ऐसी, गाड़ी तैयार हो रही है, टाइम लगना है फॉर द टाइम बीइंग। चली कितनी गाड़ी हो 29,000 सिर्फ, ब्रांड न्यू जिप्सी ले लिया भाई साहब, उन्होंने ब्रांड न्यू जिप्सी पे ऑफ कैमरा बैठ के कोई सेटलमेंट करेंगे थोड़ी बहुत, क्या कुछ ऑफर बनता है इस पे। बाकी अच्छा लग रहा है, जैसे ना अलॉय का मुझे ये छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती है, जैसे अलॉय में ये ग्राफिक्स ऑफ रोड पे चलेगी ना तो उसपे कैमरा पे काफी अच्छा इफेक्ट आता है। और जैसे ये ग्राफिक्स भी है ना, ये रैप है, ये ग्राफिक्स हां रैप ही कहेंगे और काफी अच्छा लग रहा है, पीछे नाडोग रहे हैं। तो ये देखो बहुत बेसिक कहेंगे हम डिजाइन के वाइज से, लेकिन कितनी अलग लगती है। बाकी मैकेनिकली ये बहुत डिफरेंट है गाड़ी, उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, करें ऑफ रोड, ठीक है ना। अब आपको सही टेस्ट करके बताते हैं, पहले हम इस गाड़ी सबस्टैगल अटेम्प्ट करेंगे, फिर इससे करेंगे और फिर सादिक भाई की तो खड़ी है उससे भी करेंगे, तो आपको फर्क जो है वो पता चल जाएगा। ये जोकर से करें, इंडू भी किसान करेगा, जोकर तो करेगी करेगी, बाकी देख लो आप। तो मैंने सिलेंसर के बारे में बताया कि इसमें गाड़ी में सिलेंसर, हां एग्जॉस्ट नोट भी आप सुन सकते हो, गुड वन, प्योर ऑफ रोड पर्पस है। ये देखो हमारे वाली इतने पलट जाए, आर्टिकुलेशन का बहुत बड़ा इशू है। चलिए जी, हां जी क्या समझे। और ये हैं जी हमारे जमील भाई, ये भी कह रहे हैं मैं स्कॉर्पियो लेके ऑफ रोड करूंगा और सबको दिखाऊंगा जलवे। गाइस अपनी इस पर चढ़ेंगे कैसे, हो गया, चलो 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 चलो, मैं तो जाके बीच में डाल दूँ।
ये चीज देख रहे हो, ज्यादा फर्क नहीं है, यही है। बस ये अभी जो है मैं गबरू भाई की गाड़ी चलाऊंगा। इसकी हाइट कितनी है? ज्यादा मतलब ऐसे ही सीधा ही लग रहा है कि ओ ओ वाओ। पहले ड्राइव का मजा लेते हैं फिर आपको बताते हैं। चलाने में तो बढ़िया है, ऑफ रोड का देखते हैं। लगता है अपने को भी लिफ्ट करानी पड़ेगी। हमने आपको आखा था ना हमें आपको कि थोड़े तेज चलो। हमने ये लगाना कहा है, हमारे पास जगह नहीं है लगाने की। ऐसे अटक सकता है? डलेगा। आप थोड़ी आगे करो, ये सारी पूरी ना आगे करो, आगे करो। बस 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 चलो। पीछे स्लस ज्यादा रहन दो, लगता है लिफ्ट करवानी पड़ेगी। बहुत तेरी क्यों करता हूँ मैं अपनी गाड़ी के साथ ऐसे? गाइस आपने फर्क देख लिया, इस गाड़ी को क्या स्ट्रगल हुआ, मेरी वाली को क्या स्ट्रगल हुआ, और अभी बस बस गाइस पैसा बोलता है गाइस मान गए। कल भेजो दिल्ली। अच्छा कल दिल्ली भाई, डायरेक्ट नोएडा जाने की सीधी। मतलब इनकी एक अटेम्प्ट और वो भी इतनी। अभी सादिक भाई को देख के बताते हैं। करुण भाई कितना इतना पैसा क्या करोगे, मूविंग मेटल के राज्य भेज दो गाड़ी। करना पड़ेगा गाइस इतनी स्ट्रगल वर्थ नहीं है। तो अभी देखते हैं सादिक भाई को कितना स्ट्रगल होता है, जहाँ हमारी ड्राइविंग में दिक्कत है अभी क्लियर हो जाएगा। पेपर की पुर्जी तो लाए हो? पुर्जी गलत लाए हो? गाड़े
देखो साइज क्या है, गाड़ी खुद घूमी है, मैंने नहीं घुमाई है, गाड़ी खुद घूमी है। गाइस नहीं नहीं मैं ले गया, आप चल ले जाओ। भैया आपने देखो क्या बनाया उधर, पहले देखो चेक तो करो एक बार, गाड़ी को स्ट्रगल तो करने दो। सादिक भाई दो जिप्सियों पे एक जिप्सी भारी पड़ रही है। मैटर ये है कि वहाँ पे आपकी गाड़ी दब रही है पहली बार, और यहाँ पे जो थोड़ा स्टीप हो गया होगा काम अब ना, स्टीप ज्यादा हो गया भैया, हाँ वही तो मजा है। चलो एक बार आगे से भी देखते हैं। मेरी बात सुनो, बोल शादी भाई रुको, आप अपनी गाड़ी लाओ, इसको रिकवर करो और फिर आप ये ऑब्स्टेकल अटेम्प्ट करो। वैसे एक बार तो कर ही चुके दोबारा, हाँ वापस वापस मतलब हो जाएगा, हमें सारा पता चल जाएगा। फिर देखो गाड़ी भेज दोगे, पैसा खर्चना है तो थोड़ा गाड़ी में भी भेज दोगे, भेजनी पड़ेगी। फिर गाइस पैसा खर्चना है तो एक बार सेटिस्फेक्शन कर ही लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जिप्सी के बस का तो नहीं है। तो अभी देखते हैं इनकी MMG वाली रिकवरी, इनको ना रिकवरी दो, मैं एक बार यहां से गाड़ी नीचे आऊंगा फिर ऊपर लाऊंगा। ठीक है सादिक भाई, मैं हिसाब बराबर करने आ रहा हूं, आधा रिकवर किया था ना, कोई बकाया नहीं रखना भाई, कोई बकाया नहीं। तो भाई इनकी गाड़ी जा रही है यहाँ से नीचे। सादिक भाई क्या करना है, अटेम्प्ट की छोड़ देनी है कहाँ से? सादिक भाई वहां से ट्राई करके पता चलेगा। यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी ना, सादिक भाई मैं बैठ चुके हैं अपनी गाड़ियां लगा के यहाँ पे, अब हमारी द MMG वाली था जिप्सी आ रही है वापस। तो गाइस ये यहीं से पहले नीचे उतारेंगे। नहीं नहीं ठीक है ओके, क्या बात है। अगर ये गाड़ी चढ़ गई तो मतलब जो इसमें ये सस्पेंशन और ये सारा रोल, उसका बहुत बड़ा रोल है। हमारी गाड़ियां तो बस कर गई भाई इधर। चलो अब देखते हैं। ओके गाइस आज का शो यहीं पे खत्म होता है, चुल्लू भर पानी मिल जाए कहीं तो ट्राई करने के बाद गाड़ी चढ़ाई एक बार में। बिल्कुल सर कुछ नहीं बोल सकते, मतलब ये देखो ये फर्क पड़ता है। अब आपको लग रहा है ना कि गाड़ी को मॉड करने से क्या फर्क पड़ता है, तो ये फर्क पड़ता है, बाकी ड्राइविंग स्किल्स तो है ही है। पट्टे की कमी ही यही है कि गाड़ी लात उठा लेती है, जब आपकी चारों टायर में पावर है, एक भी टायर आपका जमीन में नहीं लगेगा तो पावर लॉस हो गया ना आपका। तो गाइस सादिक भाई की गाड़ी का 4x4 न्यूट्रल में अटक गया, जैसे एक बार मेरा भी अटका था, तो उसमें गाड़ी चलती नहीं है और उसे निकालने के लिए थोड़ा टेक्निकल चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो वो हो नहीं पाएगा, टो करके लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे तो जल्दी थी, मैं जल्दी निकल रहा था, सबसे पहले निकल रहा था। मैं सबसे आगे आ चुका था यहाँ पे, मैंने सोचा कि फिर मैं टो कर लेता हूं, बोला था बोला मेरी गाड़ी में चलो आप, बोल के उसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहां पे फोन ऑफ फ्रेंड हो रहा है, आप खींचो इसको, कोई भी नहीं टूटेगा। हां आप लग गया पता, आप जिंदगी में नहीं, मैं रोड में भी नहीं करता पर बैठो। बस चलो फिर, चलो चलिए गाइस अभी शो खत्म करके निकल ही रहे हैं। ठीक है जमील भाई, बाय बाय। तो एक चीज मैंने देखी गाइस, ये देख रहे हो आप अब मैं 4-wheel ड्राइव कर रही, तो आप ऑफ रोड करते ही नहीं इसके साथ तो गाइस ये एक बढ़िया चीज है। चलो ठीक है, मिलते हैं संडे को, ठीक है, ओके ओके ओके।